शिवपुरी जिले के खनिया थाना पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए 20 पिस्टलों के साथ पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर जयपुर में रहने वाले मुख्य तस्कर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दंपत्ति की निशानदेही पर पूर्व में पकड़े गए आरोपी के घर से पुलिस ने 15 पिस्टल और 8 कट्टे और भी बरामद किए हैं। बता दें कि इससे पहले इसी आरोपी के पास से पुलिस ने 20 पिस्टलों को बरामद किया था। बता दें कि 26 मई को खनिया थाना प्रभारी घनेन्द्र सिंह भदौरिया ने रेडी चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक कार से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि गब्बर रजक की गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया था। इस दौरान गब्बर सिंह की निशानदेही पर जयपुर से हथियारों की तस्करी करने वाले मुख्य सरगना भागीरथ शर्मा और उसकी पत्नी राबिया और फिरोजा को जयपुर के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कैसे बरामद हुए और कौन कितने हुए? पिछले 26 तारीख को आप लोग जो हुई थी 8वें खनिया उसने 20 चेकिंग के दौरान 20 से आप पकड़े थे पिस्टल पकड़े, उसी क्रम में पूछताछ की गई है तो जयपुर से एक अपराधी को लाया गया जो उसमें लिंक था, जिसने इसे लाए ये सब किया था यहाँ के अपराधी, उससे जो है लिंक जोड़ के जब उसे पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि एक और मैंने एक खेप और दिया था इसको हथियार, उसकी फिर जब छानबीन की गई तो उनके घर से 23 हथियार थाना प्रभारी थाना ने जब्त किया है, तो वही हथियार है। क्या कीमत होगी सर? ये कीमत तो जो भी मिले 30-35 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार में जाती है। कारतूस भी जब्त हुआ? कुछ कारतूस भी जब्त हुआ? कोई इनाम भी इसमें घुस? 22 कर इनाम भी इसमें घुस सकता है? इनाम 10,000 रुपये इनाम मिले घुस सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।